साल 2019 की शुरुआत हो चुकी है। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि ये साल किस राशि के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। 2019 का राशिफल कहता है कि मेष राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। साथ ही करियर की दृष्टि से भी ये वर्ष मिला जुला साबित होने वाला है, मगर मेहनत आपको बहुत ज्यादा करनी होगी। साल की शुरुआत में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च बढ़ने से आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसीलिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। मेष राशि के कारोबारियों को इस वर्ष लाभ होगा। प्रेमी या जीवन साथी के साथ रिश्ते मधुर रखने के लिए आपको उन्हें अपनी भावनाएं बतानी होगी। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों को 2019 में अपनी सेहत को लेकर ज्यादा गंभीर रहने की आवश्यकता है। आपको अपने खान पान को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है, इसलिए बाहर का भोजन इस वर्ष ज्यादा ना करें तो ही बेहतर होगा। लापरवाही बरतने पर आपको कोई गंभीर रोग हो सकता है, इसीलिए विशेष सावधानी जरूर बरतें। साथ ही साथ आपको अपने करियर को लेकर भी ज्यादा गंभीर रहना होगा। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के जातक इस साल स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशान नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी शुरुआती दो महीनों में अपने स्वास्थ्य को लेकर मिथुन राशि के लोगों को भी गंभीर होना चाहिए। इन दो महीनों में आपको त्वचा से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इसीलिए पहले ही सचेत रहें। करियर की बात करें तो ये साल करियर के लिए सामान्य रहने वाला है, लेकिन अगर आप मेहनत ज्यादा करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम मिलने की पूरी पूरी संभावना है। आपको कुछ बड़े आर्थिक लाभ होने की संभावना भी है, इसीलिए तैयार रहें। कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। कर्क राशि पर आते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए ये वर्ष शानदार रहेगा। कारोबारियों को आर्थिक मुनाफा मिलेगा। फरवरी से मार्च और नवंबर से दिसंबर के बीच में आपको नौकरी और व्यवसाय में अति शुभ समाचार प्राप्त होंगे। वहीं मार्च के बाद कर्क राशि के जातक नए बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस वर्ष आपके धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन अगर आप समझदारी से काम नहीं लेंगे तो हाथ आई लक्ष्मी को जाते देर नहीं लगेगी। सिंह राशि की बात करते हैं। 2019 राशि फल के अनुसार इस साल सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य बेहद अच्छा रहेगा। करियर की बात करें तो करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए लगातार परिश्रम करने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में भी आपको पहचान मिलेगी। अगर आप कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। फरवरी मार्च और अप्रैल में आपको धन हानि होने की संभावना है, इसीलिए आपको फरवरी मार्च और अप्रैल में सावधान रहना होगा। साथ ही साथ आपको अपनी लव लाइफ को लेकर भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए ये वर्ष मिले जुले परिणाम वाला साबित हो सकता है। आपको स्वास्थ्य लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन सेहत से संबंधित कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। आपका आर्थिक जीवन सामान्य से थोड़ा बेहतर रहेगा। जनवरी फरवरी और मार्च में आपको विभिन्न स्रोतों से आमदनी प्राप्त होगी, साथ ही खर्चों में भी वृद्धि हो जाएगी। अगर विवाह करने जा रहे हैं या किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो साल की शुरुआत में ऐसा ना करें, नतीजे नकारात्मक निकल सकते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। 2019 में तुला राशि के जातक अपने जीवन को लेकर काफी संतुष्ट रहेंगे। आपको बीमारियों से छुटकारा मिलेगा और कार्य क्षेत्र में बेहतर परिणाम हासिल होंगे। आपको सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन उनके भरोसे अपना काम छोड़ना आपकी गलती साबित हो सकती है। जीवन साथी के साथ बढ़िया तालमेल रहेगा। आप किसी ट्रिप पर भी जा सकते हैं। घर की खुशियों से आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। साल के मध्य में घर में कोई बड़ी खुशी दस्तक दे सकती है। वहीं वृश्चिक राशि पर आते हैं। इस साल आपको सेहत के मामले में थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर सेहत में गिरावट आती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। फरवरी और मार्च का महीना आपकी सेहत के लिए नाजुक है।
करियर की बात करें तो करियर के लिए फरवरी और मार्च का समय काफी अच्छा रहेगा। किसी अच्छी कंपनी से आपको नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। धनु राशि पर आते हैं। धनु राशि के लोगों को ये साल सैलरी में वृद्धि मिलेगी। आपको कुछ लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, जो मानसिक रूप से आपको काफी थका देंगी। आपकी पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी और आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत रहेगा। अपने प्रेम जीवन को लेकर आप इस वर्ष कुछ ज्यादा ही गंभीर रहेंगे। आपको हमारी सलाह है कि इतना गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका आपके साथी से विवाद हो जाता है तो उस विवाद को आगे ना बढ़ाएं, बल्कि बातचीत के जरिए उसे वहीं निपटा दें। ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए साल 2019 अच्छा रहने की उम्मीद है। कुछ कारणों की वजह से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन ज्यादा परेशानी की कोई बात नहीं है। आप अपनी हेल्थ के साथ साथ लव लाइफ को भी एंजॉय करेंगे और आपका विवाहित जीवन बहुत अच्छा बीतने वाला है। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस साल आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। कुंभ राशि पर आते हैं। कुंभ राशि के लोगों का स्वास्थ्य इस साल अच्छा रहेगा, साथ ही आर्थिक जीवन भी शानदार होगा। आमदनी में कई नए रास्ते आपको नजर आएंगे। इसके अलावा आपकी लव लाइफ में भी कोई समस्या नहीं होगी। आपको करना महज इतना है कि खुद पर भरोसा रखें और जमकर मेहनत करें। मीन राशि पर आते हैं। मीन राशि के लोगों को स्वास्थ्य को लेकर गंभीर रहने की जरूरत है। आपको अपनी दिनचर्या पर भी विचार करना होगा। कार्य क्षेत्र में आपको नई पहचान मिलेगी। आपकी छवि एक परिश्रमी, मेहनती, ईमानदार कर्मी के रूप में बनेगी। आपको आर्थिक मोर्चों पर कुछ नई चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं। इसीलिए खर्च कम करें और अपने स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखें। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम जीवन को लेकर थोड़ा भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं। अपनी रिलेशनशिप को लेकर आपके मन में किसी प्रकार की शंका रहेगी और आपकी अपने प्रेमी के साथ अनबन हो सकती है। ये थे इस वर्ष के राशिफल। अब अंत में हम आप सभी को यही कहेंगे कि इस नए वर्ष में आप सभी अपनी सेहत का ख्याल रखें, जम कर मेहनत करें, अपनों पर भरोसा करें, खुद पर विश्वास रखें। इन चार सरल उपाय से आपका जीवन काफी आसान हो जाता है और आपकी जिंदगी में आई कठिनाइयां भी अपना रास्ता बदल लेती हैं। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।